यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो उस टाइम पे बहुत फेमस थे, लाइक मन्ना डे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे लोग भी यहाँ पे आके कॉफ़ी पी चुके हैं। और 90 रुपीज़ में ये देखो ऐसा फुल आपको मिलेगा, जो कि आप आराम से कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हो। एंड इट्स अ बेस्ट रेकमेंडेड डिश बोल सकते हैं। कैसा लग रहा है ना कि एक सुकून वाली जगह है जहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो दोस्तों के साथ। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. तो हम लोग आ चुके हैं वापस से द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, जहाँ से हमारा जो यूट्यूब का जर्नी था वो शुरू हुआ था। हमने 2 ही वीडियो बनाया था, उसके बाद दिस लॉकडाउन एंड हम लोग घर चले गए। वापस से हम लोग आए हैं और आज हम लोग एक जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तकरीबन 1 साल बाद हम कोलकाता आ रहे हैं एंड यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। वही पुरानी गलियाँ, वही येल्लो टैक्सी, वही मछली का अरोमा हर जगह, मज़ा आ रहा बहुत। और आज हो हम कवर करने वाले एक स्ट्रीट जो कि है कॉलेज स्ट्रीट, जिसको बंकिम चंद चटर्जी स्ट्रीट भी बोला जाता है। एंड जो सी खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड बुक्स सारे के सारे मिल जाएंगे। कोई भी आप स्ट्रीम हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, जो आपको आराम से मिल जाएगा। पुराना बुक्स आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बुक्स का यहाँ पर है। और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक स्ट्रीट है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे बुक्स खरीदने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी स्ट्रीट में जो भी चीज़ें बुक्स वगैरह होंगे आपको सारा कुछ यहाँ का टूर देंगे। उसके बाद हम लोग एक जगह जाने वाले हैं खाने पीने के लिए। एक कैफ़े है बहुत ही पुराना, जिसका नाम आप कोलकाता वालों जानते होंगे, ओल्ड इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि एक और है। तो हम लोग पुराना वाला ही जाने वाले हैं, क्योंकि नया वाला से पहले पुराना वाला एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद कॉफ़ी हाउस जाएंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे। सो लेट्स गो। कॉलेज स्ट्रीट में आपको सिर्फ बुक्स ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पे स्टेशनरी का भी काफ़ी सारा शॉप है, जहाँ पे आप बल्क में अगर सामान ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का दाम ऐसे पूछी नॉर्मल, लाइक एक जिप फाइल था जो कि आपको नॉर्मली सब A3 साइज़ में 30 रुपीज़ का मिलता है, बट यहाँ पर पूछी तो 15 रुपीज़ में, तब सोच लो कितना कम है। और पेन्स वगैरह स्टेशनरी के जितने भी सामान होते हैं वो आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हो, अगर आप बुक्स खरीदने कभी भी आ रहे हो तो। कॉलेज स्ट्रीट एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे हमें थोड़ी प्यास लगी और रिफ्रेशमेंट के लिए कि हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको सिकंजी, आम पन्ना और आम पुदीना का रस भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पी सकते हो। हमने अभी 2 आम पन्ना ऑर्डर किया है, हम अभी पियेंगे। एंड जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, आम पन्ना का 20 रुपीज़ है और सिकंजी है उसका 10 रुपये है। तो रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम में ये सब आम पन्ना वगैरह इज़ वेरी गुड, आप पी सकते हो, हम लोग भी पी रहे हैं। आप देख सकते हो गर्मी ने क्या हाल कर रखा है हमारा, तो ये तो मस्ट है इस गर्मी में। अभी ट्राई करते हैं यहाँ पे आम पन्ना।
तो अभी हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर आ चुके हैं और बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पुराना टाइप का है। ये जो कैफ़े है वो 63 ईयर्स ओल्ड है, तो आप सोच ही सकते हो कि कैसा हम लोग को लग रहा होगा यहाँ पे। काफ़ी एक अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ का। एक विंडो, सीटिंग अरेंजमेंट, चेयर, वॉल, सारा कुछ एकदम आर्किटेक्चर जो है वो आपको सारा काफ़ी हाँ ओल्ड है, एकदम वैसा ही वाइब दे रहा है वो। यहाँ पे बच्चे आते हैं, किताबें लेकर आते हैं और यहाँ पे आके पढ़ाई भी करते हैं। exactly, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा है कि इस कैफ़े में आप जितना देर आपको मन है आप आराम से बैठकर कुछ भी बात कर सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम का। एंड यहाँ पे सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स ही नहीं आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो उस टाइम पे बहुत फेमस थे, लाइक मन्ना डे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, ऐसे लोग भी यहाँ पे आके कॉफ़ी पी चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस कॉफ़ी हाउस का कोलकाता में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आप कभी कोलकाता आ रहे हो और आपको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, दिस प्लेस इज हाँ, ये ज़रूर आना आप। इसके अलावा एक और नया भी खुला है न्यू टाउन में, न्यू कॉफ़ी हाउस, ये तो ओल्ड वाला है। तो अगर वो वीडियो भी हम लोग बनाने वाले हैं, बट उससे पहले सोचे कि पहले यार पुराना वाला तो कवर कर ले, क्योंकि हम लोग अभी आए नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम है। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अभी कुछ कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इनका मेन्यू है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो, तो दिखाते हैं आपको। हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें भी ऑर्डर किए शुरू में, ये है मेरा कोल्ड कॉफ़ी और प्रेम ने ऑर्डर किया है हॉट कॉफ़ी, जिसका प्राइस सुन के आप बोलोगे यार काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मतलब किसी भी कैफ़े पे आप चाहते हो तो कॉफ़ी वगैरह तो ऑफकोर्स 50 क्या मतलब 100 ऐसे प्राइस होते हैं। यहाँ का कॉफ़ी का प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ और मेरे कोल्ड कॉफ़ी का प्राइस है 50 रुपीज़। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है यहाँ का। काफ़ी हार्ड सी कॉफ़ी है, लाइक जिसको हार्ड कॉफ़ी पीना पसंद है वो यहाँ पे आ सकता है, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। और बात कॉफ़ी में नहीं है, बात है यहाँ के वाइब में, जो इस कॉफ़ी को स्पेशल बना रहा है। सीरियसली जिस तरीके का यहाँ पे वाइब है, आप पीछे देख सकते हो फैन उस टाइम के ज़माने के हैं, वैसे ही ऊपर होते थे होल्ड्स में, और जो पूरा का पूरा आप माहौल देख रहे हो यहाँ पे, आप आके ऐसा लग रहा है ना कि एक सुकून वाली जगह है जहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो दोस्तों के साथ, बुक्स पढ़ सकते हो और कॉफ़ी तो है ही है, मीटिंग्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आराम से आप आके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। एक अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पर, उसके साथ साथ आपको कॉफ़ी वगैरह जो भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर, कॉफ़ी हो गए, यहाँ का ऑमलेट, फ़िश, ये सब भी हम लोग कुछ ट्राई करेंगे यहाँ पर, ये सब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ फ्राइड राइस वगैरह का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सारा मेन्यू में जो भी चीज़ें आपको बताएँगे हम। तो हाँ, कोल्ड कॉफ़ी इज़ नाइस बोल सकते हैं, अच्छा है, वो मीठा है, हाँ थोड़ा मीठा है और कड़क है, तो इसको फिनिश करते हैं अभी और देखते हैं कि क्या चीज़ है। बिफोर दैट लेट्स हैव अ चीयर्स। तो और देखते हैं क्या है मेन्यू में, और यहाँ का और भी आपको टूर देते हैं कि कैसा है क्या है। नीचे दो फ्लोर का है, एक नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर में सिटिंग अरेंजमेंट है, हम लोग उसके ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए हैं। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो भी चीज़ हम लोग ऑर्डर करेंगे वो आपको बताएंगे। तो ये यहाँ का मेन्यू है, मैं कुछ चीज़ें पढ़ के बताता हूँ आपको कि प्राइसेस क्या क्या हैं और अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे हॉट कॉफ़ी मिल जाएगा, कोल्ड कॉफ़ी है, एक इन्फ्यूज़न है ब्लैक कॉफ़ी का, सैंडविचेस वगैरह मिल जाएंगे आपको, चाउमीन, फ्राइड राइस, कटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, मटन के, फ़िश के, फ़िश फ्राई मिल जाएगा आपको अगर आपको फ़िश खाना बहुत पसंद है। एंड बंगालीज का कोई भी मेन्यू हो उसमें फ़िश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर फ़िश फ्राई का भी ऑप्शन है आपका। एंड कुछ चीज़ें हम भी है, पकौड़े भी मुझे दिखाए, अनियन पकौड़ा 37 रुपीज़, वेज सैंडविच 46 रुपीज़। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो मेरे को लग रही है ना कि जो भी है चीज़ है, जो भी आइटम्स हैं सबके प्राइसेस इतने रिजनेबल हैं, आप देख सकते हो लाइक 90 रुपीज़ का फ़िश फ्राई, एक पूरा का पूरा फ़िश फ्राई होकर सिर्फ 90 रुपीज़ में, मैजी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अभी इसको ऑर्डर करते हैं एंड देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट और फिर बताएंगे कि आप लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कभी भी आओ यहाँ पे तो कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ऑफकोर्स इंडियन कॉफ़ी हाउस है तो आप कॉफ़ी ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना, कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी, फ़िश वगैरह, ऑमलेट यहाँ का भी काफ़ी अच्छा फेमस सुने हैं ऐसा हम लोग। तो जो भी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे आपको बताएंगे। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग कुछ ऐसे स्नैक्स में खाना था, ऑप्शंस बहुत थे, चिकन का था ऑप्शन, मटन का ऑप्शन था, ऑमलेट भी था, लेकिन हम लोग को कुछ फ़िश खाना था बिकॉज़ बंगाल है ये, मछली फिश ट्राई करना
बनता है, बनता ही है। और हमने लिया यहाँ फिश फ्राई जिसका प्राइस सिर्फ 90 रुपीज़ है, और मैंने काफ़ी तारीफें सुन रखी है यहाँ की, फ़िश फ्राई बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने यहाँ में रिकमेंड किया बताया। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है, या आप यहाँ पर आकर टेस्ट कर सकते हो या ट्राई कर सकते हो, कि इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में यू नो कॉफ़ी के साथ फ़िश फ्राई या कॉफ़ी के साथ ऑमलेट यहाँ का कॉम्बिनेशन ही जाता है, तो आप कभी भी आओ यहाँ पर कॉफ़ी के साथ ज़रूर ट्राई करना ये। यार कितना सही फिश फ्राई है यार, मैं यहाँ बहुत बहुत नहीं, आप 6-7 महीने बोल सकते हो, मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी फ़िश ट्राई नहीं किया है यहाँ पे। माय बैड लक, पहला फ़िश मैं खा रहा हूँ कोलकाता में, वो भी फ़िश फ्राई, और वो भी इंडियन कॉफ़ी हाउस का। और क्या जो टेस्ट है ना यार, वेरी नाइस, टेस्ट बहुत अच्छा है ना, बाहर से एकदम क्रिस्पी करारा, अंदर काफ़ी सॉफ्ट जूसी सा फिश, और यहाँ पे जो चटनी दे रखी है इन लोगों ने, एक मोमोज वाली चटनी है शायद, हाँ, मुझे भी यही लगा पहले, मोमोज और कुछ ककम्बर और कैरेट का सैलड है, लेकिन जो फिश फ्राई है ना बॉस, एक नंबर है। आप कभी भी आ रहे हो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करो, और मैं आपको ये ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर आप एक खाओगे दूसरा ज़रूर ऑर्डर करके जाओगे। बहुत ही अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है फिश फ्राई का, और 90 रुपीज़ में ये देखो ऐसा फुल आपको मिलेगा, जो कि आप आराम से कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हो, एंड इट्स अ बेस्ट रेकमेंडेड डिश बोल सकते हैं। हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी ना, कि हमने इसको ना कॉफ़ी पीने के बाद मंगाया, हाँ। ये गलती आप मत करना, जब भी कॉफ़ी ऑर्डर करो ना तभी फ़िश फ्राई ऑर्डर करना, क्योंकि इसके साथ बहुत सही जाने वाला है। एंड इसको आए हुए एटलीस्ट 5-6 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसका जो आउटर क्रस्ट है ना अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, एंड अंदर से आप देख सकते हो एकदम जूसी जूसी सा फ़िश, कमाल का टेस्ट, और फ्लेवर्स इतने ज़बरदस्त यार पूछो मत, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा लाइक सिट्रसी आप बोल सकते हो, हाँ। और चटनी जो जा रहा है मोमोज का बहुत सही जा रहा है, उसका है लिटरली, मैं एक मुझे लेना तो मुझे लगा था कि मोमोज का, पर मुझे हो सकता है सिमिलर टेस्ट होगा, बट मोमोज का हमें मोमोज वाला ही लग रहा है, हो सकता है कि हम गलत भी हों, लेकिन लग वैसा ही रहा है, हाँ। तो ख़त्म करते हैं, तो हम लोग अभी फ़िश खा रहे थे, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया जो कि हमें नहीं पता था कि ये फ़िश का वैरायटी कौन सा है, क्योंकि कोलकाता में आपको फ़िश का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा, तो ये फ़िश प्रेम ने जाकर पूछा कि आखिर ये जो फ़िश खा रहे हैं वो कौन सा है, तो क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि ये भेटकी फ़िश है, और इसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, भेटकी फ़िश, और इसके एक दो और डिशेज होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, यहाँ भेटकी पातूरी होता है जो बहुत फेमस है कोलकाता में। देखो मेरे को वैसे फ़िश के बारे में बहुत कम नॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम चिकन एंड मटन मेरे को फ़िश के बारे में बहुत कम नॉलेज है, बट हाँ ये फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें कोई कांटे नहीं है यार, हाँ एग्जैक्टली, इसमें कांटे नहीं है, मतलब ऐसे ही होना चाहिए फ़िश, ऐसे ही होना ही चाहिए कि कांटा ना हो, तब यही रीज़न है मैं फ़िश अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस मछली ने मेरे को अपनी और आकर्षित कर लिया है कि मैं और ट्राई करूँ भेट की फ़िश। अच्छा, इस फिश में कांटा नहीं होता, या फिर ये फ्राई बनाया गया इसलिए इसमें कांटा, शायद हो सकता है कि कांटा निकाल दिया गया, नहीं पता इस बारे में, जो भी है बहुत सही है, अब ट्राई करो इसको यहाँ पे आओ। तो इंडियन कैफ़े हाउस का जो एक्सपीरियंस था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हम लोग ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि आप लोग कभी भी कॉलेज स्ट्रीट आओ, कुछ भी सामान खरीदने, बुक्स या फिर स्टेशनरी, तो आप ये पुराना जो कैफ़े है वो ज़रूर आप लोग जा रहा। और यहाँ पे जो टेस्ट था ना कॉफ़ी का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी थी, मतलब इससे अच्छी कॉफ़ी मैंने पी रखी है, मेरे लिए ओके था, हो सकता है यहाँ के लोगों को ऐसी कॉफ़ी अच्छी लगती हो, मैं किसी को जज नहीं कर सकता, लेकिन जो भेटकी फिश थी वो नेक्स्ट लेवल था यार, बहुत ही ज़्यादा औसत था। अगर आप आ रहे हो, कॉफ़ी पियो या ना पियो, यहाँ पे वो फिश फ्राई ज़रूर ट्राई करना, स्टार्टर से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, आई थिंक सारा स्टार्टर अच्छा ही होगा, ऑमलेट वगैरह, चिकन वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, फिश वाला सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कॉफ़ी अगर आपको मन है तो आप कैफे ट्राई कर सकते हो, बट क्या पता आपको अच्छा लगे, फिश मस्ट ट्राई है, हाँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप चाहते हो कि न्यू टाउन वाला जो नया कॉफ़ी हाउस खुला है वो एक्सप्लोर करें, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना, और कोलकाता में हम लोग आए हुए हैं तो और भी बहुत सारे वीडियोस आप आते रहेंगे कुछ टाइम तक के लिए, तो अगर आपको कोई वीडियो देखना है कुछ किसी प्लेस से रिलेटेड या फिर किसी फूड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम लोग आपके लिए बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।